वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस में। आज हम अपनी मंथ्स की जो सीरीज है उसमें रिमेनिंग जो हमारे 3 महीने बचते हैं उनको कंप्लीट करेंगे, पर सेशन आज लंबा ना हो इसलिए मैं जो भी इम्पोर्टेंट डेज हैं केवल उन्हीं को डिस्कस करूँगा। बाकी आप खुद से एक बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि रिवाइज़ तो आपको ही करना है और एग्ज़ाम भी आपको ही देना है। तो सेशन लंबा ना हो इसीलिए मैं आज इम्पोर्टेंट डेज को कवर कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिवस मनाया जाता है इस दिन। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, और इन्हीं के जन्मदिन की याद में विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। पर एक बात और याद रखना, 2 अक्टूबर को ही भारत में भारत स्वच्छ अभियान की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, 4 अक्टूबर वर्ल्ड एनिमल डे। ठीक है, जो ऊपर वाले जो मैंने 2 छोड़े हैं इनको खुद से आपको रिवाइज करना है। 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे। देखो, अभी मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था कि इंडियन टीचर्स डे कब मनाया जाता है इंडिया में, वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। और अगर विश्व की बात करें, विश्व अध्यापक दिवस की कहें, तो वो विश्व में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और राष्ट्रीय अध्यापक दिवस इंडिया में कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। उसके बाद है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स डे, ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो फ़िलहाल इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो हैं मिस्टर BS धनोआ। ओके, याद रखना, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के जो फ़िलहाल चीफ हैं वो हैं मिस्टर BS धनोआ। वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे, ये भी इम्पोर्टेंट है, 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसके बाद 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करना। इसके अलावा वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। देखो, आर्थराइटिस का मतलब होता है गठिया जोड़ों का जो दर्द होता है उससे रिलेटेड है, ये हम 12 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके बाद है अक्टूबर 15, ये इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जो बर्थडे ऑफ APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाइल मैन हुए हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हीं की याद में वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन इनका जन्म हुआ था। वर्ल्ड फूड डे, ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड फूड डे, ठीक है, क्योंकि इसी दिन अक्टूबर 16, 1945 को ही वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन WFO वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, तो इसीलिए हम 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। 17 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द पॉवर्टी, फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको अब खुद से ढूंढना है कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है, जो कि PC महालनोबिस, मैंने बताया था पहले महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। तो खुद से गूगल करिए, सर्च करिए कि इंडियन स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है। उसके बाद मार्क कीजिए 24 अक्टूबर, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कितनी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशंस की, UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस की, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। KBC में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 की। पर आपको ये याद रखना है कि जो फिलहाल यूनाइटेड नेशंस के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, वो है एंटोनियो गुटेरस। और ये कहाँ से हैं? ये पुर्तगाल से हैं, और पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन, करेंसी यूरो। ठीक है, इंटरलिंक करके याद रखिए। उसके बाद है 31 अक्टूबर, ये इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड सिटीज़ डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेशन लंबा हो जाएगा आप शायद, इसलिए मैं जो जितने इम्पोर्टेंट डेज हैं उन्हीं को ही कवर कर रहा हूँ। आइए नवंबर के करते हैं। 2 नवंबर, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्योरिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। कि जर्नलिस्ट के अगेंस्ट जितने भी क्राइम होते हैं उनके रिगार्डिंग जो डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 2 नवंबर को किया जाता है। जैसे आपको पता हो कि गौरी लंकेश जो जर्नलिस्ट थी उनकी भी हत्या कर दी गई थी, तो इसी तरह से विश्व में जर्नलिस्ट के खिलाफ बहुत सी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कई बार उनके मर्डर भी हो जाते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग एक डे मनाया जाता है कि भाई किस तरह से उसको रोका जाए, क्राइम को रोका जाए, वो मनाया जाता है 2 नवंबर को। 5 नवंबर, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। ठीक है, वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड निमोनिया डे। मैं कुछ को हाईलाइट करना भूल गया हूँ, ठीक है, वर्ल्ड निमोनिया डे ये इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर, और 14 नवंबर को ही चिल्ड्रंस डे इन इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे मनाया जाता है जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए थे। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, ये इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करना। ठीक है, इसके अलावा नेशनल जर्नलिज्म डे 17 नवंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एडल्ट डे 18 नवंबर, और वर्ल्ड सिटीजन डे 19 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करना। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं दिसंबर के। आप फिर भी जो मैंने स्किप किए हैं उनको रिवाइज ज़रूर कर लें एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं आज बस इम्पोर्टेंट्स हैं जो उनको डिस्कस कर रहा हूँ। दिसंबर में वर्ल्ड एड्स डे, कितने एग्ज़ाम में पूछा गया है, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और एड्स की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इसकी होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को, उसके अलावा 4 दिसंबर को नेवी डे। देखो अब आर्मी डे कब होता है, मैंने बताया 15 जनवरी को, और अभी मैंने आपको बताया था एयरफोर्स डे, जो कि एयरफोर्स डे मनाया 8 अक्टूबर को। ठीक है, और इसी तरह से जो नेवी डे है वो 4 दिसंबर को, और नेवी के जो फिलहाल चीफ हैं वो कौन है, सुनील लांबा, जो जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं वैसे, और इनकी रिटायरमेंट के बाद जो अगले नेवी चीफ बनेंगे वो बनेंगे करमबीर सिंह, मिस्टर करमबीर सिंह। ठीक है, 5 दिसंबर वर्ल्ड सोइल डे, ठीक है, विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर भी इम्पोर्टेंट है, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे,
विश्व मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और भारत के संविधान में जो ह्यूमन राइट्स लिए गए हैं वो लिए गए हैं यूएसए से, अमेरिका से जो है मानवाधिकार भारत के संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो कि इंडिया में मनाया जाता है 14 दिसंबर को, उसके अलावा 17th ऑफ दिसंबर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर्स, ओके ये भी इम्पोर्टेंट है। 19th ऑफ दिसंबर गोवाज लिब्रेशन डे, गोवा की जो स्वतंत्रता हुई उसको उसकी रिमेम्बरेंस में 19 दिसंबर को गोवा लिब्रेशन डे मनाया जाता है। 23rd ऑफ दिसंबर किसान दिवस फार्मर्स डे, ये इम्पोर्टेंट है। और 25th ऑफ दिसंबर नेशनल गुड गवर्नेंस डे, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। गुड गवर्नेंस को हम हिंदी में बोलते हैं सुशासन, सुशासन दिवस, ठीक है, सुशासन दिवस। तो आज हमने जो भी इम्पोर्टेंट थे दिसंबर नवंबर और अक्टूबर के डे उनको कवर किया है। इसके अलावा जो भी रह गए हैं जो मैंने आज आपसे डिस्कस नहीं किए और आप उनको खुद रिवाइज़ करें, और कल हम इनसे इन पर बेस्ड MCQ लेके आएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।